पश्चिमबंग सह पूर्व भारत पई बड़ दिन राष्ट्र उद्देश्य तीनोटी बड़ प्रकल्प समर्पण कले प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमबंग हलदिया पूर्वोदय जोड़ीला आउ एक माइल खुंट आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा देवार केन्द्र हेब हलदिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमबंग हलदिया गस्त कर 4,700 कोटी तीनोटी बड़ प्रकल्प लोकार्पण कर 1,100 कोटी निवेश निर्माण होता एलपीजी इनपोर्ट टर्मिनाल दोभी दुर्गापुर गैस पाइपलाइन हलदिया रिफाइनरी द्वितीय यूनिट को लोकार्पित करिछंती प्रधानमंत्री। एहि अवसर रे प्रधानमंत्री कहिछंती स्वच्छ ईंधन रे आत्मनिर्भर हेबार आज बड़ दिन एहा द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस सहज हेबो। आज गैस आधारित अर्थव्यवस्था भारत आवश्यकता प्राकृतिक गैस पाइपलाइन द्वारा लोकंकु सस्ता गैस मिलिबो सेहिपरी दुर्गापुर सिंधिरी सार कारखाना मध्य एहा द्वारा लाभवान हेबो फलरे अधिक रोजगार सृष्टि हेबो कृषकंकु सस्तारे सार मिलिपारिबो बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। साथियों प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। आज इसी पाइपलाइन का एक और बड़ा हिस्सा जनता की सेवा में समर्पित हो चुका है। लगभग 350 किलोमीटर की डोभी दुर्गापुर पाइपलाइन बनने से पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और झारखंड के 10 जिलों को सीधा लाभ होगा। इस पाइपलाइन को बनाते समय करीब 11 लाख मैंडेज का रोजगार यहां के लोगों को मिला है। अब जब ये पूरी हो गई है तो इन तमाम जिलों के हजारों परिवारों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंच पाएगी। सीएनजी आधारित कम प्रदूषण वाली गाड़ियां चल पाएगी। इसके साथ साथ इससे दुर्गापुर और सिंदरी के खाद कारखाने के लिए भी गैस की निरंतर सप्लाई संभव हो पाएगी। इन दोनों कारखानों के रोजगार के नए अवसर बनेंगे और किसानों को पर्याप्त और सस्ती खाद मिल पाएगी। यहां सह प्रधानमंत्री मोदी कहते प्राकृतिक गैस सह एलपीजी भित्तिभूमि को सुदृढ़ करा जाउछे। 2014 पूर्व पश्चिमबंग में एलपीजी गैस कनेक्शन केवल 40% किंतु वर्तमान यह 99% रु अधिक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे राज्य 90 लाख रु अधिक मां भौणी को गैस मिल पारिछि बोली प्रधानमंत्री कहिछन्ते। सेबडे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिछन्ते प्रधानमंत्री मोदी देशर प्रथम प्रधानमंत्री जे पूर्व भारत विकास कल्पना करिछन्ते। उज्ज्वला योजना के तहत पश्चिम बंगाल में करीब करीब 90 लाख बहनों बेटियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। इनमें से भी 36 लाख से ज्यादा एसटी और एससी वर्ग की महिलाएं हैं। वर्ष 2014 में पश्चिम बंगाल में एलपीजी गैस की कवरेज सिर्फ 41% थी। हमारी सरकार के लगातार प्रयास से अब बंगाल में एलपीजी गैस की कवरेज 99% से ज्यादा हो गई है। कहां 41 और कहां 99 से भी ज्यादा। बंगाल में 90 लाख बहनों के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लगाई गई। सिर्फ कनेक्शन लगाए नहीं गया, आज स्वयं आए हैं, हल्दिया तक आए हैं, 1 मिलियन टन कैपेसिटी की विदेश से एलपीजी ले आके भारत की गरीब बहनों के घर तक एलपीजी पहुंचाने के लिए आज कार्यक्रम को लोकार्पण करने आए हैं। आजादी के बाद पहली बार घर में जैसे पानी नल में आती है, पाइप में आती है, बंगाल की 23 में से 11 जिले में घर में नल में रंधन गैस पहुंचाने के लिए पहली बार गैस दुर्गापुर तक आई है, उसको लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री जी यहां पधारे हैं। मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। हलदिया रे एलपीजी टर्मिनल पश्चिमबंग पूर्व एवं उत्तर पूर्व भारत विभिन्न राज्य में एलपीजी आवश्यकता पूरण करिवो।
ଏହାସହ ଅନେକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। लाइव बुलेटिन न्यूज एवं अन्यान्य शो देखंतु आउ आम संगे जोडी हुंतु। तबे डेरी काहे की आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप। सत्यर संधान रे अर्गस सबु बेले लोकों को साथी रे।